हेलो गाइस, आप सबको गुड मॉर्निंग। और आज फिर नए दिन का शुरुआत करते हुए आरबी नेचर्स लवर के फ्रेंड्स सबको गुड मॉर्निंग। तो आज मैं आप लोगों को वही टॉपिक को बताना चाहता हूँ कि जंगल में क्या क्या सेफ्टी चाहिए और जंगल में क्या क्या चीज़ मिलता है, वो सबको बताने के लिए करता हूँ। तो मैं यही है, जंगल में सबसे इम्पोर्टेंट चीज अकेला नहीं घूमना है, दो तीन चार ग्रुप होना है और हमेशा सेफ्टी हथियार होना चाहिए, जैसे कि राइफल, दाव। और आप लोग ये मत सोचिए कि राइफल दाव लेके हम लोग जानवर को मारता है, वो नहीं, अपना सेफ्टी के लिए। वो कभी ऐसा दिन होता है कि सामने हाथी आ गया, लियोपॉड आ गया या टाइगर आएगा, तो ब्लाइंड फायर करके भगाने के लिए ये सेफ्टी को हम लोग इस्तेमाल करते हैं। लेकिन और हम वो दिखाना चाहते हैं कि आप लोग जंगल में क्या क्या रहता है। जानवर तो बहुत है और छोटा छोटा जीव जंतु जो है, कीड़ा मकोड़ा, वो सबको भी दिखाना चाहते हैं और जंगल में सुंदरता क्या क्या है वो सबको एक्सप्लोर करना चाहते हैं। तो देखिए जंगल में क्या क्या चीज़ मिलता है और हम लोग कैसा घूमते हैं, हम लोग काम क्या है वो सबको बताएगा। चलो नए दिन की शुरुआत करते हुए आगे चलते हैं और क्या क्या देखने को मिलते हैं आज। तो बाय बाय, जंगल आगे मिलते हैं। आगे एक उटपेकर और किधर है, और भी चिल्ला रहा है काफ़ी, दो तीन उटपेकर है। इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, येलो रैम्पेड। फ्लेमबैक, वही है फ्लेमबैक उटपेकर। जो इतना तो हमको भी पता नहीं है, फिर भी जो मेरे पीछे है ये कार्टून, ये बर्ड्स के बारे में काफ़ी जानते हैं, तो उसने बताया अभी फ्लेम बैग उटपेकर था ये। तो चलो आगे और क्या मिलता है देखते देखते। ये भी एक नेचर का एक हिस्सा है दोस्तों, ये है, ये भी एक कीड़ा है जो कवर के अंदर में घुसा हुआ है अभी। तो इसको कोई इंसेक्ट खाता, कुछ चीज़ तो खाता होगा इसलिए बना ये, जो बर्ड्स लोग तो खाते ही है। तो चलो आगे फिर मिलते हैं। यहाँ और एक चीज दिख रहा, देखो ये है प्रेइंग मेंटिस, वो अपना भोजन पकड़ा हुआ है, वहाँ से भाग रहे हैं। यहाँ दिखाते हैं, ये देखो अपना भोजन पकड़ते हुए, खाने का दाना पकड़ा हुआ। फोकस नहीं हो रहा है। ये प्रेइंग मेंटिस भी बहुत खतरा होते दोस्तों, ये ऐसा चीज़ है कि वो बर्ड्स को भी खा लेते हैं और सांप स्नेक तक को ये भगा सकता है, मतलब मारता है। इतना खतरा चीज़ है देखने के लिए, इतना छोटा सा कीड़ा है लेकिन बहुत खतरा है ये भी। तो चलिए आगे और क्या मिलता है। ये पहुंच गया टॉप है, ये जो टिप्पी घाट और पुल नाला के बीच में, और यही एक है टिप्पीगढ़ और पुलनाला के बीच 2 किलोमीटर का डिफरेंस है। तो ये तो टॉप खत्म होने के बाद में सुंदर सा टिप्पी बस्ती का नज़ारा दिखाते हैं आप लोगों को। चलिए आगे, ये टॉप। और बारिश का सीज़न जुक बहुत सारा है,
कुछ मिलो मत मिलो जुग तो पक्का मिलेगा, देखो कहीं भी मिल जाएगा, कहीं भी इतना सारा है। तो आपको आधा घंटा अगर आप कपड़ा खोल के एक जगह में बैठ गया बैठ जाओ तो भर्ती हो जाएगा आपका बदन, पूरा शरीर में लीची लीच हो जाएगा, इतना सारा है। तो देखिए ये है टिप्पी विलेज, ये है टिप्पी बस्ती का नजारा, और ये पत्थर देखो वहाँ से आया रोल होते हुए, और यहाँ हम रास्ता के बीचों बीच। इतना यूनिक सा लग रहा है, हमको भी पता नहीं ये क्या है। देखिए कितना यूनिक यूनिक सा चीज़ होता है नेचर के, नेचर में जंगल में, कि हम सबको पता ही नहीं अभी तक ऐसा भी चीज़ होता है बोल के। देखिए ठीक है, मैं एक दो फोटो क्लिक करता हूँ फिर आगे मिलता है। और ये एक चीज़ दिखाई दिया, देखिए ये है पता होगा आप लोगों को, ये स्टिक इंसेक्ट लकड़ी से बनता है, ये दंती से बनता है, कोई भी सूखा लकड़ी से भी बन जाता है ये, और कच्चे लकड़ी से भी बन जाता है, स्टिक इंसेक्ट बोलते हैं। और ये बहुत बहुत बोल के भी नहीं, थोड़ा बड़ा भी होता है और छोटा भी मिलता है, और दो किस्म का मिलता है, ये ब्राउन भी मिलता है और ग्रीन कलर का भी होता है। तो और एक चीज़ दिखाई दे रही है हमें, ये है मौत, इसको हम लोग देखने को तो बटरफ्लाई है, ये देखिए कितना सुंदर है, देखने के लिए बटरफ्लाई है, लेकिन उस ये रात को चलने वाला है, दिन में तो बटरफ्लाई तितली चलते, ये रात को निकलता है, ये रात को चलने वाला है, इसलिए इसको बोलते हैं मौत, ये है फ्लैट मौत। तो चलो फिर आगे और क्या क्या मिलता है। ये मेरा सबसे सुंदर जगह है, रुक के दिखा देते हैं, ये नहीं थोड़ा आगे, रुक के दिखा दिया, ये मेरा हमको बहुत सुंदर लगता है ये जगह को, इसलिए आप लोग को बार बार दिखा रहे हैं, दिखा दिया मतलब रुक के दिखा दिया। और ये जगह काफ़ी क्लिक करके रखा है मेरे पास में, जो मेरा एक भी फ्रेंड है वो सबको काफ़ी फ़ोटो मिला इसको स्टोरी में मेरा, और काफ़ी अपलोड भी किया है। तो चलो आगे मिलते हैं फिर। और यहाँ से हम लोग टॉप निकलेगा, टॉप रुक ही जाएगा, मौसम वेदर भी ठीक नहीं है, तो जाएगा वहीं से रोड से वापस आएगा। तो ये टिपी घाट, ये हम लोग यहाँ से आया अभी पुलना कैंप, ये हम लोग कैंप है यहाँ टिपी घाट, ये रास्ता। तो ये है हाथी पहला का पेड़, हाथी पहला बोलते एलिफेंट फुट ट्री, मतलब उसका पाँव पत्ता जो है पाँव का जैसा, तो वही हो। तो अभी ये लोग को रुकते थोड़ा देर, कार्चून गया नीचे
शायद वो नहीं आएगा, राकेश या हिरन कोई आएगा मेरे साथ में। तो कौसम अपना साथ कुछ यहाँ में काम होता होगा, कुछ करेगा, तो या दूसरा साइड घूमने के लिए जाएगा वो भी। तो हम और हिरन या राकेश दोनों में से कोई एक आएगा तो हम दोनों जाएगा ऊपर। ऊपर आगे क्या क्या मिलता है उसको देखते हैं। और एक चीज़ दिखाई दिया, ये जूसली, मतलब ये भी एक कैटरपिलर, एक बहुत खुजली वाला है, लगने से बदन में बहुत खुजली होते है। ये बनेगा मौत, ये रात को उड़ने वाले तितली बनेगा। आधा घंटा हो गया, आधा घंटे से ज़्यादा हो गया रुकते रुकते, फ़ोन भी कर रहा है तो पिकअप ही नहीं कर रहा है, कुछ रेस्पॉन्स नहीं। चलो वो आते रहेगा, हम थोड़ा आगे आस्ते आस्ते चलते रहते हैं, वो क्या क्या मिलते हैं देखते हैं। अभी तक जो कुछ भी मिला अच्छा लगा, बग मिला, कैटरपिलर मिला, तो जानवर का तो पाक मग मिलने का मुमकिन नहीं है क्योंकि बारिश का वजह से सब धो दिए, इतना बारिश और जंगल हो चुका था, कहीं में छाप नहीं मिलेगा। कोई अगर आगे भाग के जाता है तो मिल सकता। चलो आगे देखते हैं क्या मिलता है। एक बग मिला, बीटल है ये, इसको लेडीज बीटल कुछ बोलते हैं, लेडीज एसपी बीटल इसका नाम है, ऐसा कुछ हमको भी इतना पता नहीं। अगर गलती हुआ आप लोग कुछ जानता है तो कमेंट में बताना। मैं जो इंसेक्ट ऑफ इंडिया है उससे कुछ कुछ कीड़ा का बारे में, कीड़ा मकोड़ा का बारे में पता कर लेता हम भी, तो वही। और यहाँ से पूरा आप शुरू, यहाँ से 3 किलोमीटर पूरा कम्प्लीटली आप है, चढ़ाई चढ़ते ही जाना है। तो 3 किलोमीटर के बाद में जो टॉप मिलेगा वहाँ से फिर नीचे दिनाई, दिनाई तक पूरा डाउन है, तो हम वही टॉप तक जाएगा फिर वहाँ से वापस आएगा। तो आगे चलते हैं क्या क्या मिलता है और देखते हैं। ये देखिए, ये आप लोग का भाषा में क्या बोलता होगा पता नहीं, इसको हम तो हमें जानने में बादाम है, बादाम बोलते हैं इसको, तो खाने में भी खाते हैं इसको, टेस्टी बोल के सुने। आप लोग का भाषा में क्या क्या बोलते हैं बताना हमको, लेकिन मैं जानने का मुताबिक इसे बादाम बोलते हैं। चलो ठीक है, और यहाँ ये नेस्ट है जंगल फॉल का। ये लास्ट ईयर यहाँ में अंडा बच्चा दिया, लास्ट ईयर का था ये। लास्ट ईयर में भी हम लोग जब बच्चा देके जब चला गया तभी देखा था, जब होते समय में तो दिखाई नहीं मिला। कुछ भी हो ऐसा ऐसा चीज़ दिखाई में नज़र में पड़ जाता है तो अच्छा लगता है। और ये राकेश भी पहुंच गया, सभी आ रहा है। हिरन को ये जंगल फॉल, तो आगे जाना है हम लोग को। चलो आगे मिलते, क्या मज़ा ही आ गया। आने सोचा था एक आएगा लेकिन आया दोनों दोनों, वहाँ एक आ रहा है हिरन को, राकेश
शायद कार्चून का बदन थोड़ा ठीक नहीं है इसलिए नहीं आया वो। तो हमने सोचा दोनों में से कोई एक उसके साथ रुक जाएगा, लेकिन रुका नहीं। आइए चलो चलते हैं ऐसे ही। ये पेड़ जो आप लोग देख रहे हैं, इसमें अभी सीड्स का समय हो गया, काफ़ी सीड निकल रहा है। ये सीड जो उसका इसका सीड जो होता है कॉफ़ी का जैसा, जो कॉफ़ी सीड होता है सेम उसका जैसे ही है। और इसमें बार्किंग डियर और वाइल्ड पीक और हर कुछ खाते हैं, लेकिन फेवरेट हो गया इसका सीड जो वाइल्ड पिक। वाइल्ड पिक ऐसे खाता है इसमें। तो लास्ट ईयर तो सीड नहीं हुआ था, उससे पहले साल बहुत वाइल्ड पिक था, तो इस बार फिर से हो रहा है। तो देखते हैं, पेयर का नाम को तो मालूम नहीं हमको भी। नेक्स्ट टाइम जब सीड गिरेगा तब आपको दिखाते हैं इसका सीड को। पहले जो छोटा पेगमेंटिस मिला था, और ये एक देखिए यहाँ में एक है जो ब्राउन कलर का, ये वही पेगमेंटिस है। ये अभी ये भी छोटा ही है, इसका पंख कुछ नहीं निकला, एक लाइनिंग है, देखो कितना सुंदर है। ये भी बहुत सारा टाइप्स का होता है। तो यही है, ये भी बहुत डेंजर है, जैसे कि मैंने बताया था, छोटा सांप को या छोटा छोटा बर्ड्स को पकड़ के खा लेते हैं, तो जानिए कितना खतरा हो सकता है ये। अगर बड़ा होता तो और क्या होता। चलिए फिर आगे मिलते हैं, क्या दिखता है। यही एक सांबर था, यही आगे में राकेश आगे और हम पीछे पीछे। खराब से चिल्लाया, भाग गया, हम लोग डर गया। ऐसे ही होता है जंगल में, यहाँ से चला गया आगे। तो राकेश बता रहा है ये जगह में यहाँ से घुस गया। जंगल में ऐसे ही होता है दोस्त, अचानक अचानक में कुछ ऐसा मिल जाता है, डरा देता है, ऐसा डराता है कि होश उड़ जाते हैं। तो हम लोग हमेशा जंगल चलने वाला कोई ऐसा डर का फीलिंग होता है, तो नए नए अब आने वाला को और कैसा फील होगा। तो एक सांबर थोड़ा सा देखने को मिला, और आते आते ये पिक्चर, ये फ्लावर को भी दिखा देते, कितना सुंदर लग रहा है। यहाँ है, यहाँ है, आगे जंगल फॉल एक कॉल कर रहा है, सुनाई दे रहा है, रेड जंगल फॉल। अभी अभी यहाँ से वाइल्ड पिक भागा है, देखो क्या ढूंढ के खा रहा था होगा, दिखाते हैं आप लोगों को। ऐसे ये जंगल में इतना फट से कुछ नहीं मिलते, लेकिन अचानक अचानक में जो भागता है ना उसमें ही होश उड़ा देते हैं। जस्ट अभी हम लोग को देख के भागा, इतना बड़ा वाइल्ड पिक था, देखो। तो ऐसे ही कुछ कुछ मिल जाते हैं, तो आपको दिखा रहा है, एक्सप्लोर कर रहा है। तो अच्छा लगा ख़राब लगा बताना आप लोग भी। तो चलते आगे, फिर चलते चलते केकड़ा मिल गया, ये भी
जंगल घूमने के लिए आ गया, पास में नाला है तो वहीं से आया होगा। वहाँ आगे क्या है? नहीं नहीं ये तो लंगूर नहीं है, मैका गया। ये वो क्या लंबा छलांग मारा है। वहाँ देखो एक छोटा सा बच्चा जंप मारने वाला है, देखो 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 छोटा सा बच्चा। और एक आ गया, देखिए देखिए, ओह और एक जंप मार दिया, काफ़ी दूर है इसका वही से और जूम करता है। देखो और एक आ गया, देखो बच्चा का साथ में ये तो ये था मेकक, असमिस मेकक एक ग्रुप पूरा भाग रहा है, उधर में भी है देखो वहाँ से भी भाग रहा है। उधर ये सब ऐसा कुछ देखने से अच्छा लगता है। फिर एक एकरा भी दिखाई दिया हमें, केकरा भाई। चलो ऐसे दिखते हुए आगे चलते। बंदर बहुत प्यारा लगता है भाई। एक बार तो कैपलांगूर देखते देखते कैपलांगूर ने अपने बच्चा को छोड़ के भाग गया, देखा देखते देखते ऊपर से नीचे गिर गया बच्चा, तो हम लोग ने पकड़ा, फिर फ़ोटो वोटो खींच के छोड़ दिया। पकड़ा नहीं उसको, जैसे फ़ोटो वोटो खींचा ऐसे छोड़ दिया। चलो आगे मिलते हैं। यहीं से एक बड़ा सा मेकअप टोस के चला गया, कैमरा ऑफ था नहीं दिखा पाया। और बहुत कोई तो पहचानता ही होगा इसको। ये मशरूम इसको खाता है, खाने वाला मशरूम है। और भाई ये मशरूम के बारे में कुछ बोलता है, मशरूम खाने के लिए तो बहुत टेस्टी है और बहुत देख के पहचान के खाना चाहिए, क्योंकि सुना है कि मशरूम खा के कोई एक एक फैमिली गुजर चुका है कहीं कहीं में। और इसलिए हम लोग भी जो खाता है, जो अपना आँख से जो पहचानता है वही खाता है, दूसरा जो कोई भी बोलो खाने का है वो के तो ऐसे वाला को तो नहीं खाते हम लोग, लेकिन अपना मर्जी से नहीं तोड़ना है। जो आप पहचानते हैं उसको लेके खाओ, जो नहीं पहचानते हैं उसको नहीं लेना है, तो यही बोलना चाहते हैं। तो इसको हम लोग आके लेगा जो हम लोग सब्जी बन जाएगा। तो चलो फिर आगे मिलते हैं। जहाँ बोल रहा था टॉप पहुँच गया हम लोग फिलहाल तो। ये है हम लोग का वास टावर, जो हम लोग यहाँ रुक के जानवर सबको देखने के लिए। ये हम लोग का लेक टॉप का, जो हम लोग बर्ड्स जानवर सबको पानी पीने के लिए। और यहाँ देखिए मछली का भंडार, ये सब जो दिखाई दे रहा है सब मछली है, दिखा रहा आपको। ये सब मछली है, इतना सारा मछली देखो।
ये तो फिर थोड़ा आगे जाके वापस जाएगा तो चलो यही है, फिर मिलते हैं आगे, कुछ मिलता है तो दिखाते हैं, नहीं तो चला जाता हूँ। यही है टॉप, टिप्पी और दिनाई का टॉप। यहाँ से हम लोग आए, यहाँ से पूरा नीचे डाउन है और यहाँ दिनाई के लिए यहाँ से पूरा डाउन है। वहाँ से आएगा तो पूरा आप है, यहाँ से जाएगा पूरा डाउन है। तो हम लोग अभी पूरा चढ़ाई आपको चढ़ के आए और ये डाउन का थोड़ा सामने तक देखते अभी क्या मिलते हो और फिर यहाँ से वापस। तो आगे कैंप जाके देखते हैं और क्या क्या मिलता है। देखो वहाँ एक सांप दिखाई दे रहा है, वो सांप है, हमको लग रहा है वो इंडो चाइनीज रेड स्नेक, वही इंडो चाइनीज रेड स्नेक वो जा रहा है। वो इंडो चाइनीज रेड स्नेक। तो टॉप पहुंच लिया, घूम लिया, तो अभी निकलते हम लोग कैंप की ओर फिर से। चलो आगे और कुछ दिखता है तो बताते, नहीं तो कैंप में जाके ही मिलते हैं। चल मिलते हैं ब्रेक के बाद, ये दिखाते हैं आपको। ये हुक्का, इसका नाम हुक्का बोलते हैं। तो ये सीध दिखाई दे रहा है, ये छोटा छोटा है, अभी बड़ा होगा ये। इसको सीबेट, प्लम सीबेट, जो फल खाने वाला सीबेट सब होता है वो सब, इसको बहुत फेवरेट है खाने के लिए। ये देखिए इसकी गुटी, ये हुक्का, ये बहुत हार्ड होता है इसका बकली, उसका अंदर में बहुत मज़े पकने से बहुत मीठा मीठा सा फ्लेवर आता है, गन आता है बहुत मीठा सा। तो इसलिए हिमालयन ग्रैंड स्क्वायर सीवेट और स्पॉयल ये सब खाता है इसको। चलो आगे मिलते हैं। और एक चीज़ दिखाई दिया, ये देखिए वापस जाते हुए भी कुछ कुछ मिल रहा है वापस कैंप की ओर। ये आप लोग पहचान में आ रहा होगा, बहुत कोई देखा होगा जंगल में जो घूमता है। ये है बी, छोटा वाला जो मधुमक्खी, उसका घर है। देखो ये भी एक नेचर को बहुत खूबसूरत लाता है, देखिए कितना सुंदर है उसका घर। और ये जो छिड़क के रखा है ये सब इसको भालू ने आके खाने के लिए कोशिश किया होगा, तो भालू ने ट्राई किया इसको खाने के लिए, नहीं सका वो ये। तो चलिए और आगे जाते जाते क्या मिलता है दिखाते हैं। अब भाई गिरने वाला था, चलो पहुंच गया टिप्पी घाट का। ये नाला जो हम लोग पानी पीते हैं और ये है हम लोग का स्विमिंग पूल, बहुत गहरा है, नहाने के लिए बहुत मज़ा आता है। तो दोस्तों आज घूम के तो आ गया, तो काफ़ी घूमा है, घूम के क्या क्या मिला दिखाया आप लोगों को, तो अच्छा लगा, ख़राब लगा बोलना, काफ़ी कुछ देखने मिला
बार्किंग डियर था भागने वाला, वो वाइल्ड पिक मिट्टी खोदने वाला वो देखने मिला, सांबर एक चिल्ला के भागने मिला, वुड पेकर, बर्ड्स, बर्फ लेने मिला, कुछ बीटल्स मिला, कुछ इंसेक्ट्स मिला, तो वो सबको दिखाते हुए आज का वीडियो इतने खमक होता है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे की ओर, तो बाय बाय।